हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बीते कुछ सालों में जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन शॉर्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस किया गया है, अगर भारत अपने टेक्नोलॉजी को देश में ही डेवलप नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। और शायद इसी बात को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा मेगा प्लान कह ले या प्राइवेट कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसी से संबंधित टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करेंगे और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये भी जाने हैं कि चाइना हमसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में कितना आगे या कितना पीछे है और एग्जैक्टली क्या मार्केट कैप है। मगर आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। सो ये आज का ये आर्टिकल है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कंप्यूटिंग कैपेसिटी में, या कह ले इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने के लिए। ये बेहद जरूरी है भारत के लिए कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही उसके ऊपर रिसर्च हो और डेवलपमेंट हो। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से गूगल अपने प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशंस को हटा दिए। हालांकि उसके बाद उन सारे एप्लीकेशंस को वो ऐड कर दिए थे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक वार्निंग बेल था कि भारत इतना बड़ा देश है जहां पे इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, क्या भारत को किसी दूसरे देश के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि जब वो देश का मन करे तो वो अपने प्लेटफॉर्म से अपने हिसाब से उसमें कस्टमाइजेशन कर दे बिना सामने वाले को बताए हुए। सो आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो कुछ 10,000 करोड़ से भी अधिक इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग में हैं, उनके साथ कोलैबोरेट किया जाए और उनको इनिशियली फंड किया जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास टैलेंट तो होता है लेकिन उनके पास इनिशियली पैसे नहीं होते हैं। तो अगर सरकार मीटिंग्स करके उन सब जो टैलेंट्स है अगर उनको हम देखते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये काफी बड़ा स्टेप होने वाला है, जहां पे जो टेक्नोलॉजी के मामले में एटलीस्ट हम कम से कम डिपेंडेंट रहें दूसरे देश के ऊपर। जितना डिफेंस को अपने हाथ में रखना इम्पोर्टेंट है, उतना ही आज के डेट में टेक्नोलॉजी को भी अपने हाथ में रखना इम्पोर्टेंट है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो दुनिया है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हट के वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पे दूसरे देश का सर्वर को हैक कर लिया जाए, उसके बैंक्स को हैक कर लिया जाए या उसके पावर स्टेशंस को हैक कर लिया जाए। तो ये सब कुछ फेनोमेना रिसेंटली देखा गया है। भारत में कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग अवेलेबल हैं और वो अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपनी जो उनका जो टैलेंट है उसको वो ला के रखे और दिखाए और उनको उसी हिसाब से फंड मिले। इसलिए ये राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाए जहाँ पे एटलीस्ट लोग उस प्लेटफॉर्म पे आके जुड़े और हम एक दूसरे से आके सीखें चीजों को। हालांकि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, ये सच में काबिले तारीफ है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर दिया जाता है ऑन पेपर्स, लेकिन ग्राउंड में वो कभी स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो सरकार का ये जो इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे वो 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है एग्जीक्यूशन। वो होता है कि जब आप कहीं पे प्लांट सेटअप कर रहे हो और अगर कोई भी काम विद इन टाइम लिमिट नहीं होता है तो उस प्रोजेक्ट का जो कीमत होता है वो बढ़ जाता है। बाहर से बहुत सारे ऐसे कंपनीज आते हैं जो भारत में इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए, लेकिन किसी भी कारण से, या इलेक्शन हो या लोकल पॉलिटिक्स हो, अगर उस कारण से अगर उनको प्रॉपर जमीन या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो फिर रैप अप करके अपने देश में वापस चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि भारत का जो इमेज है एटलीस्ट उस इंडस्ट्री में वो काफी खराब जाता है और फिर से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते करते काफी लंबा वक्त निकल जाता है और जो टैलेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फिर अलग अलग फील्ड में स्प्रेड कर जाते हैं, वो चले जाते हैं अपने हिसाब से। गूगल हो गया या और भी ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि ये जिस भी कंट्री में ऑपरेट करते हैं कहीं ना कहीं ये डेटा चोरी करते हैं, कहीं ना कहीं उस देश के जो यूथ हैं उसके पैटर्न को रीड करते हैं, उसके माइंडसेट को रीड करते हैं। और कितनी बार ये भी देखा गया है कि उस देश के
पॉलिटिक्स में भी इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक बहुत ही एक बड़ा रोल देखा गया है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट कैप देखेंगे 2024 में तो ये कुछ 305 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक है, जिसका की वैल्यू 2030 तक लगभग कुछ 740 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो ये बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट है ये ग्रो करेगा, और अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो उस पर्टिकुलर देश को, यहाँ पे अगर हम भारत की बात करें तो हमें भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो 2023 में कुछ लगभग 29 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का मार्केट साइज है, जो कि साल 2024 से लेकर 2029 के बीच में कुछ 20% से भी अधिक का ग्रोथ देखा जा रहा है, और 2030 तक ये मार्केट चाइना में 104 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक हो जाएगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो साल 2024 में हमें ये उम्मीद है कि कुछ 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का कुछ इसका मार्केट साइज रहने वाला है। अगर आप सिंपली अगर चाइना से कंपेयर करते तो चाइना का 2023 में 29 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स था और भारत का 2024 में कुछ 5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है, और 2030 तक जो हमारा उम्मीद है मार्केट साइज का वो कुछ 14.72 बिलियन है, और अगर वहीं हम चाइना की बात करें तो कुछ 104 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है भारत और चाइना के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केट में। इसीलिए शायद चाइना यूएस को अलग अलग टाइम पीरियड में चैलेंज करता रहता है, और शायद वो हर वो काम करता है जो यूएस के हिसाब से या उसके इंटरेस्ट में नहीं होता है। इन सब के पीछे का वजह है कि चाइना जिस तरीके से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, और एज अ रिजल्ट क्योंकि जितना देश अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा उतना ही उस देश की जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्पिटेटिव और अच्छी बन के आएगी। हालांकि यहाँ पे कहीं से कहने का मतलब नहीं है कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन अगेन वही हो जाता है कि एग्जीक्यूशन की सारी बात हो जाती है। ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और प्रमोशन में। तो इन अ वे हम इस स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं और करना भी चाहिए। लेट्स सी कि हम इस फील्ड में कितना आगे बढ़ सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।